पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हुक्का बार संचालित करने वाले 12 युवक गिरफ्तार। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो नशे का काला कारोबार कर छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने का काम करते थे। एसपी संजीव सुमन के नेतृत्व में पिलखुआ पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। हापुड़ में नशे के सौदागरों पर पुलिस का छापा। पिलखुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का बार संचालित करने वाले व्यक्ति सहित 12 युवक गिरफ्तार किया। मालिक मौके से फरार हो गया। हुक्का बार की आड़ में छात्रों को नशे की तरफ धकेलने की चल रही थी साजिश। बी फार्मा LLB ग्रेजुएशन कर रहे पकड़े गए सभी छात्र, 11 मोबाइल, 5 बाइक, 3400 की नकदी, 7 हुक्के, 16 चिलम व 15 डिब्बों में फ्लेवर बरामद किए हैं। पिलखुआ पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कई हुक्का बार पे छापा डाला गया है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और किस क्या कार्रवाई की है? थाना पिलखुआ क्षेत्र के मोहल्ला रजनी विहार में कल थाना पिलखुआ पुलिस के द्वारा छापेमारी करके हुक्के बार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसकी सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। यहां हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही वहां बैठकर अन्य 11 जो व्यक्ति थे जो हुक्का बार में नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वहां से हुक्का जो मिले हैं उसके अलावा जो अलग अलग तरह के फ्लेवर से तम्बाकू जो उसमें इस्तेमाल होते थे वो सब मिले हैं। उनके जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इसके अलावा जो बाइकें जो इनके जो वहां पर कभी गए थे उनको भी बरामद हुई है। साथ ही इसमें जो मकान मालिक है इसके मकान में हुक्का चल रहा था वो फरार है, इसकी गिरफ्तारी के लिए दर्ज की है। ये जो पकड़े गए युवा हैं सारे छात्र बताए जा रहे हैं और इसमें कोई MBA और कोई बी फार्मा कोई योगा टीचर है? हाँ, ये जो पकड़े गए 11 लोग हैं तो ये अच्छे बैकग्राउंड से हैं और सब पढ़े लिखे युवा हैं। इनके और बैकग्राउंड के बारे में और छानबीन की जा रही है, लेकिन ये सब वहाँ हुक्का बार में हुक्का हुए पकड़े गए हैं। जो केमिकल पकड़ा गया है, जो इनके पास फ्लेवर पकड़ा गया है, क्या एक नशीली पदार्थ है क्या है? हाँ, ये तंबाकू के अलग अलग नशे नशीले टाइप्स हैं और जिनके आधार पर इनका रेट डिसाइड होता था और वहाँ ये नशे का पूरा सिस्टम चल रहा है। ड्रग्स होने की संभावना है क्या इसमें? इसके बारे में फसल बेचकर इसकी जांच कराई जाएगी। पूरा जो माल बरामद हुआ है इसको फसल से इसकी जांच कराई जाएगी, इसके बाद कुछ बता दें।